काशीनगर स्थित 350 सब्जी विक्रेताओं पर मनपा प्रशासन द्वारा उन्हें दुकान लगाने से मना कर देने से, उन्हें स्थायी जगह नहीं देने से दुकानदारों ने संविधान चौक पर मनपा प्रशासन के खिलाफ धरना आंदोलन किया है। आज ही सरकार की ओर से शहर के युवाओं को रोजगार के कोई भी अवसर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शहर के युवाओं ने अपने बूढ़े माता पिता और अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए सब्जी की दुकान काशीनगर में लगाई थी। काशीनगर में तकरीबन 350 सब्जी विक्रेताओं को मनपा प्रशासन ने वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे 350 सब्जी विक्रेताओं पर भूखे मरने की अब नौबत आ पड़ी है, जिसके चलते सब्जी विक्रेताओं ने मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मनपा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे इन सब्जी विक्रेताओं ने 51/1, 51/2 मौजा बाबुलखेड़ा की जगह बाजार की राखी रखी है। मनपा प्रशासन इस जगहों पर हमें सब्जी बेचने की इजाजत दे, ऐसी गुहार 350 सब्जी विक्रेता और सामाजिक कार्यकर्ता अलका कामले इन्होंने मनपा प्रशासन से लगाई है। आए दिन अभी ये जो सब्जी बाजार जो होता है और जो भाजी विक्रेता जो होते हैं, ऐसे काशीनगर के 350 लोगों पे भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते इन 350 दुकानदारों पे भूखमरी की नौबत आ पड़ी है? इस समय हमारे साथ में अलका कामरे जी है, चलिए उनसे जानना चाहेंगे। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये सब्जी संविधान चौक पर लेके बैठी हो, क्या महानगर पालिका ने, ये बाजार विभाग ने आपको ये परमिशन दिया है यहाँ सब्जी बेचने के लिए? हमारे पेट का सवाल है, पेट के सवाल में कौन परमिशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा ये देखा नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है, एक महीने से महानगर पालिका भाजी विक्रेताओं को डंडे मारकर उठा रही, इनकी सब्जी भाजी उठाकर लेकर जा रही है। मुझे ये कहना है, आज उनके घर में उपासमार हो रहे हैं, उनके पेट में आज प्रॉब्लम, उनके बच्चे आज रो रहे हैं, इसका जिम्मेदार महानगर पालिका है। 2006 से महानगर पालिका की रोड पर जो ये जो लोग हैं भाजी विक्रेते, 350 लोग बैठ रहे हैं, 350 लोगों की उपजीविका उस भाजी विक्रेता से होती है। रोज हर सोमवार को वहाँ बैठती है, ये 4 हफ्ते हो गए इनको उठा रही है, इसका मतलब क्या है? हम 6 से ऐसी मांगनी कर रहे हैं, यहाँ पे महापौर जो आ रहे हैं उनको सबको मांगनी कर रहे हैं। हमारे पास में सब कागज है, वो महापौर शोले जी हो, वो अर्चना डेनकर हो, या अभी के महापौर हो, कल परसों भी हमने डेपुटेशन दिए कि इनको स्थायी कहीं तो भी जगह दो जहाँ इनका पेट पाल सके। तो कौन सी जगह देखा आपने? यहाँ पे काशीनगर के पास में ही महानगर पालिका का वॉल कंपाउंड है, वहाँ पे मैदान वैसा खाली पड़ा है, आज लोग वहाँ पे कचरा डालते हैं, वहाँ पे कोई उसका उपयोग नहीं है। महानगर पालिका ने इन भाजी विक्रेताओं को वो जगह देना चाहिए, और जो कुछ है सीधा इनसे कॉन्टैक्ट करके, जो महानगर पालिका और जो गिरा भाजी विक्रेता है इनसे कॉन्टैक्ट करके, जो कोऑर्डिनेट करके वो काम करना चाहिए, बट ये नहीं कर रही, उल्टा इनके पेट के ऊपर लात मार रही है। अलका जी, यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया मनपा ने, तो अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका पेट का प्रॉब्लम है। अगर पेट में किसी के पेट पे आप मारते हो, तो जो भूखा आदमी है वो भूखा आदमी क्या करेगा, इसकी कल्पना आपको है? आज महानगर पालिका में शायद ऐसा ना हो एक आधी गरीब आदमी कुछ कर बैठे, इसका जिम्मेदार महानगर पालिका रहेगी, यहाँ का महापौर रहेगा। तो इस प्रकार की चेतावनी आज इस संविधान चौक से अलका कामले इन्होंने दी है, और इसके लिए मनपा प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि आए दिन शहर में अलग अलग जो बाजार जो भरते हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ के तमाम जो दुकानदार है उनको इसी प्रकार से खदेड़ा जा रहा है और उनको जगह नहीं दी जा रही है, जिसके चलते आज शहर के जो सब्जी विक्रेता उन पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में मनपा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या मनपा प्रशासन इनके लिए क्या दौड़ के आता है, अब ये देखने वाली बात होंगी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC न्यूज़ नागपुर।